हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का टाइटल है शेयरिंग ऑफ रिवॉर्ड। शेयरिंग मीन्स होता है बंटवारा, ऑफ मीन्स काकी के, रिवॉर्ड मीन्स होता है इनाम, यानी कि इनाम का बंटवारा। कहानी बहुत ही ईजी है और कहानी में जो भी वर्ड मीनिंग दी गई हैं वो आपके लिए, आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो देखिए कहानी, कहानी है एम्परर अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लर्न एंड गिफ्टेड मैन। एम्परर मीन्स होता है सम्राट अकबर, यानी कि सम्राट अकबर वॉज मीन्स थे, वेरी मीन्स बहुत, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन, यानी कि सम्राट अकबर बहुत शौकीन थे किसके, लर्न एंड गिफ्टेड मैन। लर्न मीन्स होता है ज्ञानी एंड गिफ्टेड मीन्स होता है विलक्षण प्रतिभा वाले। विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण का मतलब होता है जिसमें कुछ अद्भुत प्रतिभा हो, तो ऐसे लोगों की। तो सम्राट अकबर ज्ञानी और विलक्षण प्रतिभा वाले मनुष्यों या आदमी के बहुत शौकीन थे। ऑफन यानी कि अक्सर, When a gifted man would come to the अकबर, often means अक्सर, when means जब, a gifted man एक विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति, would come means आता था, will means होता है गागीगे और will का पास्ट होता है would, तो जब भी वो आता था, would come means आता था to the emperor यानी कि अकबर के पास। अक्सर जब एक विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति सम्राट के पास आता था, ही वुड अपॉइंट द मैन एज वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स। ही वुड अपॉइंट, अपॉइंट मीन्स होता है नियुक्त कर देना, यानी कि वह नियुक्त कर देता था द मैन, उस आदमी को, किस आदमी को, जो भी गिफ्टेड मैन आता था, एज वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स। एज मीन्स के रूप में, वन मीन्स काकी के, ऑफ हिज मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री, अपने मंत्री के रूप में वो क्या कर देता, उनको अपॉइंट कर देता था, मंत्री बना देता था ऐसी व्यक्ति को। कैसा व्यक्ति, जो विलक्षण प्रतिभा का होता था, गिफ्टेड मैन। अकबर्स कोर्ट, अकबर अप जेल का अपोस्ट्रोपी एस, अपोस्ट्रोपी एस मीन्स होता है काकी के। अकबर्स कोर्ट मीन्स होता है अकबर का दरबार। वॉज मीन्स था, फुल ऑफ मीन्स भरा हुआ था या होता था, हम ये भी बोल सकते हैं होता था, फुल ऑफ मीन्स भरा हुआ। इंटेलिजेंट एंड वाइज मैन, इंटेलिजेंट एंड वाइज मैन, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान एंड वाइज मीन्स होता है ज्ञानी और मैन मीन्स लोग, आदमी या लोग, एक ही बात है। तो अकबर का दरबार फुल ऑफ वॉज, फुल ऑफ भरा होता था, इंटेलिजेंट एंड वाइज मैन, बुद्धिमान और ज्ञानी लोगों से। आउट ऑफ देम, आउट ऑफ मीन्स होता है मैं से, आउट ऑफ देम यानी कि उनमें से, नाइन मैन जो, देखिए अकबर के दरबार में क्या होते थे, इंटेलिजेंट और वाइज मैन होते थे, उनमें से जो नौ व्यक्ति होते थे, नाइन मैन, वर नोन एज, नोन एज मीन्स जाने जाते थे, वर लगा है यानी कि ताथा तीथी ते थे, वर नोन एज जाने जाते थे एज द नाइन जेम्स यानी कि नौ रत्न ऑफ अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में। दे वर एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली मीन्स होता खासकर यानी कि विशेषकर, दे मीन्स वे, वर मीन्स होते थे, एक्सेप्शनली मीन्स होता खासकर या विशेषकर, टैलेंटेड, टैलेंटेड यानी कि प्रतिभावान, प्रतिभावान होते थे, एंड accomplished men इन their fields, accomplished मीन्स होता पूर्ण, मैन मीन्स व्यक्ति, वे पूर्ण व्यक्ति होते थे अपने 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 क्षेत्र में। तो वे विशेषकर प्रतिभावान होते थे और अपने क्षेत्र में पूर्ण व्यक्ति होते थे, यानी कि कोई व्यक्ति है जैसे जो पंडित है तो उसे पूरी पंडिताई आती थी, तो अपने क्षेत्र के वो कंप्लीट मैन होते थे, अकम्प्लिश्ड मैन। वंस एक बार आ यंग मैन कॉल्ड महेश दास, एक बार एक
जवान व्यक्ति जिसका नाम था महेश दास, लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। लिव्ड मीन्स रहता था, इन मीन्स में अ स्मॉल मीन्स छोटा, विलेज मीन्स गांव, इन अकबर्स किंगडम। अकबर अपोस्ट्रोफी एस मीन्स का की के, किंगडम मीन्स राज्य, अकबर के राज्य में। तो एक बार एक जवान व्यक्ति महेश दास नाम का लिव्ड मीन्स रहता था एक स्मॉल विलेज, अकबर के राज्य के छोटे से गांव में रहता था। सिंस ही हैड स्पेंट हिज एंटायर यंग लाइफ इन दिस विलेज। सिंस मीन्स से या चूंकि भी होता है, ही हैड स्पेंट उसने गुजारी थी, हिज मीन्स अपनी इंटायर यंग लाइफ, यानी कि इंटायर मीन्स होता संपूर्ण, यंग लाइफ मीन्स यौवन अवस्था, इन दिस विलेज इस गांव में। तो चूंकि उसने अपनी पूरी लाइफ, पूरी जो यौवन लाइफ है वो इस गांव में बिताई थी, स्पेंट की थी, नाउ ही मीन्स बाय नाउ मीन्स अब वेस्ट मीन्स होता है इच्छा थी उसकी, इच्छा करता था, ही नाउ विस्ट यानी कि वह अब इच्छा करता था, टू ट्रेवल मीन्स होता है यात्रा करना, द वर्ल्ड मीन्स संसार की, अब वह संसार की यात्रा करने की वो इच्छा करता था, उसकी विश थी ये कि वर्ल्ड को ट्रेवल करना। ही हैड हर्ड मैनी स्टोरीज, ही हैड हर्ड, देखिए हैड आ जाता है तो अर्थ आता चुका था, चुकी थी, चुकी थी। ही हैड हर्ड, हियर मीन्स सुनना, उसकी थर्ड फॉर्म लगी हर्ड, वह सुन चुका था, मैनी मीन्स कई, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, यानी कि वह कई कहानियाँ सुन चुका था, अबाउट मीन्स बारे में, बिग सिटी, बिग सिटी मीन्स बड़ा शहर, एंड एम्प्रेस पैलेस, और एम्प्रेस मीन्स होता सम्राट, अपोस्ट्रोफी एस मीन्स काकी के, पैलेस मीन्स महल। तो वह कई कहानियाँ बड़े शहर की और सम्राट के महल की सुन चुका था। इट साउंडेड लाइक एन एक्साइटिंग प्लेस टू बी इन, एंड ही डिसाइडेड टू पे द एम्परर अ विजिट। इट साउंडेड, साउंडेड मीन्स होता है लगता था, लाइक मीन्स की तरह, मतलब उसको ये लगता था, एन एक्साइटिंग, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग मीन्स होता है उत्तेजक, प्लेस मीन्स स्थान, एक्साइटिंग का ये मतलब होता है कि उसको बहुत ही अच्छा प्लेस लगता था कि जहाँ पे मतलब सम्राट रहते हैं वो बहुत ही अच्छा मनमोहक स्थान होगा, उत्तेजक स्थान होगा, टू बी इन, वहाँ पर उसके अंदर रहना। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, डिसाइडेड मीन्स होता है निर्णय किया, टू पे द एम्परर अ विजिट। देखो टू पे अ विजिट ये है पूरा, इसके बीच में लगा हुआ है द एम्परर। टू पे अ विजिट मीन्स होता है एक भ्रमण करना, टू पे अ विजिट मीन्स एक भ्रमण करना। तो उसने एक भ्रमण करने का डिसाइड किया, टू द टू पे द एम्परर, यानी कि एम्परर के पास जाने का उसने निर्णय किया, एंड सी, और देखने का, इफ़ ही कुड गेट अ जॉब, और ये भी देखने का कि सी मीन्स देखना, इफ़ ही यदि वह कुड मीन्स सकता था, गेट मीन्स पाना अ जॉब, इसका मतलब ये निकलेगा कि वो ये भी देखना चाहता था, ये भी उसने डिसाइड किया कि क्यों यदि कोई उसी जॉब मिल जाए, वो ये भी सोच रहा था कि चलो जॉब मिल जाए तो अच्छी बात है। ही ट्रेवल्ड, उसने यात्रा की, थ्रू मैनी क्राउडेड बाजार्स एंड टाउन्स। थ्रू मीन्स से होकर, मैनी मीन्स कई, क्राउडेड मीन्स भीड़ भाड़ वाले बाजार, एंड टाउन्स मीन्स कस्बे। तो उसने बहुत से भीड़ भाड़ वाले बाजार और कस्बों से यात्रा की। अब आगे देखिए, और फिर फाइनली अंत में ही रीच्ड, पर पहुँचा द सिटी, उस सिटी में पहुँच गया, सिटी यानी कि शहर। महेश दास बेंट अप टू, महेश दास बेंट मीन्स गया, अप टू मीन्स तक,
द पैलेस गेट, यानी कि महल के गेट तक। महेश दास महल के गेट तक गया। बट ही, परंतु ही कुड नॉट, वह नहीं, कुड नहीं सका, नॉट माने नहीं, इंटर मीन्स प्रवेश करना, वह प्रवेश नहीं कर सका। द गेट कीपर, जो गेट कीपर था, कॉट हिम, कॉट कैच मीन्स पकड़ना, उसकी सेकंड फॉर्म कॉट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि उसे पकड़ लिया। पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें आ ई ए ये भी आते हैं लास्ट में, तो इसे बोलेंगे कॉट हिम, उसे पकड़ लिया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, यानी कि किसने पकड़ा था, गेट कीपर ने, और उसने क्या पूछा, वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग, वेन मीन्स कहाँ, डू ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रहा है, यू मीन्स तुम, थिंक तुम क्या सोचते हो, यू आर गोइंग कि तुम मतलब कहाँ जा रहे हो, मतलब तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रहे हो, इसका मतलब ये होगा वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग, तुम जानते हो कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। महेश दास रिप्लाइड, महेश दास ने उत्तर दिया, आई एम गोइंग टू सी द एम्परर, मैं जा रहा हूँ, टू सी मीन्स देखने के लिए, द एम्परर यानी कि सम्राट को। द गार्ड बस्ट आउट लाफिंग, बस्ट आउट का मतलब एक प्रकार से फूट पड़ना, बस्ट आउट लाफिंग का मतलब होता है हंसी के ठहाके लगाना, यानी कि गार्ड हंसी के ठहाके लगाने लगा। ही हैज, देखिए चित्र बना हुआ है और इसमें ये है महेश दास और ये है एम्परर अकबर और ये दरबारी हैं। ही है इसके बाद आगे देखिए, बुगार्ड आगे बोल रहा है, ही हैज पर्सनली इन्वाइटेड यू टू हैव डिनर विद हिम इन हिज डाइनिंग चैम्बर आई सपोज। अब वो गार्ड मजाक करते हुए कहता है कि ही हैज पर्सनली, पर्सनली मीन्स होता है व्यक्तिगत रूप से, इन्वाइटेड मीन्स होता है आमंत्रित किया है, और यू मीन्स तुम्हें, यानी कि उन्होंने, अकबर ने तुम्हें पर्सनली इन्वाइटेड किया है। वो मजाक उड़ा रहा है उसका, काय के लिए, टू हैव मीन्स टू हैव डिनर मीन्स डिनर लेने के लिए, टू हैव मीन्स होता है रखना लेना, डिनर मीन्स रात का भोजन, विद हिम उसके साथ। तो मतलब एम्परर अकबर ने मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने पर्सनली तुम्हें इनवाइट किया है, इनवाइट यानी कि आमंत्रित किया है, और उसके साथ डिनर रखने के लिए, इन हिज डाइनिंग चैम्बर, उसकी जो डाइनिंग चैम्बर मीन्स होता है खाना खाने वाला कक्ष, आई सपोज, मैं आशा करता हूँ, मतलब गार्ड कहता है कि मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अकबर ने आपको पर्सनली इन्वाइट किया है, आमंत्रित किया है अपने डाइनिंग चैम्बर में भोजन खाने के लिए। द गार्ड सेड, गार्ड ने ये कहा। महेश दास रिमेंड मीन्स होता रहा, ठहरा रहा। अब ये रिमेंड सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है, रिमेंड क्वाइट मीन्स शांत रहा, क्वाइट मीन्स शांत। द गार्ड कंटिन्यूड, गार्ड ने कंटिन्यूड मीन्स होता आगे कहा, कंटिन्यू मीन्स होता लगातार कहते रहना, कंटिन्यू मीन्स होता है लगातार कोई काम जब जारी रहता है तो उसे कंटिन्यू बोलते हैं, तो कंटिन्यूड मीन्स होता वो आगे कहता रहा। गार्ड ने और क्या कहा, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू सी द किंग, इट इज़ नॉट, यह नहीं है, पॉसिबल मीन्स होता है संभव, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू सी द किंग, टू सी मीन्स देखना, द किंग मीन्स राजा, तो टू मीन्स देखना या मिलना भी होता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू, तुम्हारे लिए ये संभव नहीं है, टू सी द किंग, राजा से मिलना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। आगे देखिए, ही इज़ अ वेरी बिजी मैन, ही मीन्स वाई इज मीन्स है अ वेरी बिजी मैन, एक बहुत ही बिजी मीन्स व्यस्त, मैन मीन्स व्यक्ति, वह एक बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं। आई हैव ऑर्डर्स फ्रॉम द किंग नॉट टू लेट एनी बडी इन, आई हैव ऑर्डर्स, ऑर्डर्स मीन्स होता आदेश फ्रॉम द किंग, आई हैव मीन्स होता रखना लेना, अब हैव ऑर्डर्स मीन्स मेरे पास आदेश हैं, फ्रॉम द किंग यानी कि राजा से,
नॉट टू, नॉट मीन्स नहीं, टू लेट, टू लेट मीन्स होता अनुमति देना, देखिए लेट मीन्स होता अनुमति देना, उसमें टू जुड़ा हुआ है, यानि कि नॉट टू लेट का मतलब हो जाएगा अनुमति ना देने को, एनी बडी किसी को, इन मीन्स अंदर, तो मेरे पास राजा की आदेश है कि किसी को अंदर अनुमति ना देना। महेश दास प्लीडेड, महेश दास ने प्लीडेड मीन्स होता है याचना की विद द गार्ड, गार्ड से, टू लेट, टू लेट मीन्स अनुमति देना, ही मीन्स इन मीन्स अंदर, महेश दास ने गार्ड से उसे अंदर आने के लिए याचना की, मतलब महेश दास ने ये कहा कि हमें अंदर आने दो। अब आगे, द गार्ड सेड, गार्ड ने कहा, आई टोल्ड यू, टोल्ड मीन्स बताया, यू मीन्स तुम्हें, मैंने तुम्हें बताया है, आई कांट, ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कैन मीन्स सकना, कैन नॉट, कैन नॉट मीन नहीं सकता हूँ, लेट मीन्स आज्ञा देना, यू मीन्स तुम्हें, इन मीन्स अंदर, अंदर जाने की, मतलब मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हें अंदर जाने की आज्ञा नहीं दे सकता हूँ। महेश दास सेड, महेश दास ने कहा, से मीन्स कहना, से की सेकंड फॉर्म सैड, उसने क्या कहा, बट वाई, परंतु क्यों, द गार्ड सेड, गार्ड ने कहा, बिकॉज क्योंकि, यू आर पुअर, क्योंकि यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, पुअर मीन्स गरीब, क्योंकि तुम गरीब हो, एवरी वन, प्रत्येक, होम आई अलाउ टू सी द एम्परर, एवरी वन, प्रत्येक, होम मीन्स जिसे या जिसको, आई मीन्स मैं, अलाउ मीन्स आज्ञा देता हूँ, टू सी मीन्स देखना या मिलना, द एम्परर यानी सम्राट को, तो प्रत्येक जिसे मैं एम्परर को देखने के लिए आज्ञा देता हूँ, वह व्यक्ति क्या करता है, पेज मीन्स, पे मीन्स होता है भुगतान करना, चुकाना, पैसे देना, कुछ भी चीज़ देना, पे मीन्स पे कर देना, पेज मी मुझे देता है समथिंग माने कुछ, लाइक वो क्या देता है। अब देखिए गार्ड क्या कह रहा है उस व्यक्ति से, महेश दास से, कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे मैं अंदर जाने देता हूँ वो मुझे कुछ देता है, क्या देता है, जैसे लाइक, लाइक मीन्स की तरह, समथिंग मीन्स कुछ, लाइक मीन्स की तरह, अ काऊ एक गाय, अ गॉट एक बकरी, और एम्ब्रॉयडर्ड स्लीपर्स, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स होता है बूटेदार, बूटेदार का मतलब कढ़ाई किए हुए स्लीपर्स, स्लीपर्स मीन्स तो चप्पल, ये चीज़ें मुझे वो देता गिफ्ट में। वॉट कैन यू गिव मी, वॉट मीन्स क्या, कैन मीन्स सकती हो, यू मीन्स तुम, गिव मीन्स देना, मी मीन्स मुझे, तुम मुझे क्या दे सकते हो। महेश दास सेड, महेश दास ने कहा, से की सेकंड फॉर्म सेड, कहा, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा, आई डोंट हैव एनीथिंग नाउ, डोंट, ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, और डोंट हैव मतलब मेरे पास नहीं है, हैव मीन्स रखना, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, नाउ मीन्स अभी, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, बट आई कैन प्रोमिस यू, परंतु आई कैन मीन सकता हूँ, प्रोमिस मीन्स वादा करना, यू मीन्स तुमसे, दैट कि आई विल गिव यू, आई विल गिव यू, विल मीन्स गागी गिव, गिव मीन्स देना, यू मीन्स तुम्हें, मैं तुम्हें दूंगा, हाफ ऑफ मीन्स आधा, हाफ ऑफ वॉट मीन्स जो कुछ, आई गेट, अब देखिए वॉट का अर्थ क्या तब होगा जब इसके बाद कोई सहायक क्रिया लगी हो, कर्ता लगे लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ जो कुछ, आई गेट मैं पाता हूँ, फ्रॉम मीन्स से, द एम्परर मीन्स सम्राट, एज ए रिवॉर्ड, एज ए मीन्स के रूप में, एज ए मीन्स के रूप में, रिवॉर्ड मीन्स इनाम, तो इसका मतलब इधर देखिए, बट वो कह रहा महेश दास ने कहा कि मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, बट आई हैव, आई कैन प्रोमिस यू, परंतु मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ, दैट आई विल गिव यू हाफ ऑफ, मैं उसमें से तुम्हें आधा दूंगा, और वॉट आई गेट फ्रॉम द एम्परर, मैं जो भी एम्परर से पाऊँगा एज ए रिवॉर्ड, इनाम के रूप में, मुझे कर अभी तो कुछ है नहीं, लेकिन एम्परर से जो कुछ भी मिलेगा उसे आधा मैं तुम्हें दूंगा। द गार्ड, वो गार्ड न्यू मी, जानता था, द एम्परर सम्राट वॉज अ जनरस वन, जनरस मीन्स होता है उदार व्यक्ति, जो अच्छे स्वभाव का होता है, दानी होता है, उसे उदार बोलते हैं, तो गार्ड जानता था कि सम्राट उदार व्यक्ति हैं, दानी व्यक्ति हैं, ही ऑफन,
ई मीन्स वह ऑफन मीन्स अक्सर गिव मीन्स देता था, एक्सपेंसेस मीन्स होता है महंगे, गिफ्ट्स मीन्स होता है उपहार, टू पीपल लोगों को, कौन से लोगों को, तो वह अक्सर लोगों को महंगे गिफ्ट देता था, हु केम टू सी हिम, हु मीन्स जो के मीन्स आते थे, टू सी मीन्स देखने के लिए, हिम मीन्स उसे, जो उसे देखने के लिए आते थे, सो इसलिए द गार्ड, गार्ड ने, गार्ड जो था क्विकली एग्रीड, शीघ्र ही, क्विकली में शीघ्र ही एग्रीड सहमत हो गया। अब आगे देखिए, महेश दास इंटर्ड मीन्स होता है प्रवेश किया, द पैलेस मीन्स महल में, महेश दास ने महल में इंटर किया, प्रवेश किया, ही वॉज अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स होता है हैरान या अचंभित, वह अचंभित था बाय द रिचली, रिचली मीन्स होता है बहुत आयत में, एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स होता है कढ़ाई वाले या काशीदार, गोल्डन मीन्स सुनहरे, कर्टेंस मीन्स पर्दे, तो वह आश्चर्यचकित था किनसे, बहुत आयत में कढ़ाईदार सुनहरे पर्दे और एनिमीज और कारपेट्स, कारपेट्स मीन्स होता है कालीन, कालीन देख करके, द पैलेस यानी कि महल, वॉज मीन्स था मेड ऑफ मीन्स बना हुआ, रेड मीन्स लाल, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जो होते हैं इनसे, ये एक पत्थर होता है लाल कलर का, बहुत ही अच्छा लगता है, इसे कई चीज़ें बनाई जाती हैं, बैठने के लिए बनाई जाती है, जैसे पार्क में देखा होगा पत्थर की चेयर टाइप की बनी रहती है, तो वो सैंडस्टोन होती है, तो द पैलेस वॉज मेड ऑफ, महल वॉज मीन्स था मेड ऑफ, बना हुआ रेड मीन्स लाल सैंडस्टोन का, एंड वॉज और वॉज मीन्स था लेविसली, लेविसली मीन्स बेहद, डेकोरेटेड मीन्स सजा हुआ। आगे देखिए, एम्परर अकबर इनके सम्राट अकबर सेट मीन्स बैठे थे, एट द मिडल मीन्स बीच में, ऑफ द कोर्ट मीन्स होता है दरबार की, सम्राट अकबर दरबार के बीच में मिडल में बैठे हुए थे, महेश दास बोर्ड, बोर्ड मीन्स होता है प्रणाम करना, सिर झुकाना, महेश दास ने प्रणाम किया अकबर को, अकबर सेड, अकबर ने कहा आई एम वेरी प्लीज्ड विद द रिस्पेक्ट यू हैव शोन मी, आई एम वेरी प्लीज्ड, मैं बहुत खुश हूँ, प्लीज्ड विद, प्लीज के साथ देखिए विद आता है, एक प्रपोजिशन है, प्लीज्ड विद मीन्स खुश हूँ, रिस्पेक्ट मीन्स होता है आदर, यू मीन्स तुमने, हैव शोन मीन्स दिखाया है, सो शो मीन्स दिखाना, उसकी थर्ड फॉर्म हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, शोन मीन्स दिखाया है, मी मीन्स मुझे, यानी कि मैं तुम्हारे, मैं उस सम्मान से जो कि तुमने मुझे दिखाया है उससे बहुत खुश हूँ, वेरी प्लीज्ड। व्हाट डू यू वांट, व्हाट मीन्स क्या, डू यू मीन्स तुम, वांट मीन्स चाहते हो, फ्रॉम मी मीन्स मुझसे, इन रिटर्न वापस, तो वापसी में तुम मुझसे क्या चाहते हो, महेश दास सेड, महेश दास ने कहा जहाँ पना, इफ़ आई मे मीन्स होता सकना, मतलब यदि मैं मांग सकता हूँ, आई शैल आस्क, मैं मांगूंगा, दैट यू ग्रैंट मी, कि आप मुझे दो, ग्रैंट मीन्स देना, दैट क्या दो, आई मे रिसीव, तो रिसीव जब रिक्वेस्ट की जाती है तब मे लगता है, सकना अर्थ निकलता है, आई मे रिसीव, रिसीव मीन्स प्राप्त करना, 100 यानी कि 100 लेसेज मीन्स तक कोड़े, कि मुझे 100 कोड़े मिले, रिसीव प्राप्त करना, पढ़ें ऑन माई बेयर बैक, ऑन मीन्स पर, माई मीन्स मेरी, बेयर मीन्स होता नंगी, बैक मीन्स पीठ, मेरी नंगी पीठ पर 100 कोड़े पड़े। आगे देखिए, ये कहा उसने, द एम्परर इनके सम्राट वॉज मीन्स था सरप्राइज, आश्चर्यचकित, सम्राट आश्चर्यचकित थे, ही सेड, उन्होंने क्या कहा, दैट इज अ वेरी स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, दैट मीन्स व इज मीन्स है, अ वेरी मीन्स बहुत, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना, ये बहुत ही अजीब प्रार्थना है, वाई डू यू वॉन्ट मी टू गिव यू 100 लेसेज, वाई मीन्स क्यों, डू यू मीन्स तुम, वॉन्ट मीन्स चाहती हो, मी मीन्स मुझसे, टू गिव मीन्स देना, यू मीन्स तुम्हें, 100 लेसेज यानी कि 100 कोड़े, तुम क्यों मुझसे चाहते हो, आपको तुम्हारे लिए 100 कोड़े देना, ये क्यों चाहते, महेश दास सेड, महेश दास ने कहा
सेड मिस का यू मजेस्टी यानी कि महाराज व्हेन जब आई वॉज कमिंग टू सी यू जब मैं आपको देखने आ रहा था या जब मैं आपसे मिलने आ रहा था टू सी मिस मिलना भी होगा अर्थ द गेट कीपर यानी कि गेट कीपर ने टोल्ड मिस बताया मी मिस मुझे गेट कीपर ने मुझे बताया टू गिव मिस देना हिम मिस उसका हाफ़ देना है ऑफ व्हाट जो कुछ आई गेट फ्रॉम यू आई मिस मैं गेट मिस प्राप्त करूँगा यू फ्रॉम मिस से यू मिस तुमसे जो कुछ मैं आपसे प्राप्त करूँगा उसका आधा उसे दूँ अकबर हंसे देन ही सेड तब उन्होंने कहा दिस इज़ अ सीरियस इश्यू ये बहुत ही गंभीर मामला है ये बहुत ही गंभीर इशू मिस मामला मुद्दा ये बहुत ही गंभीर मामला है दिस मीन्स इसका मतलब है दिस मीन्स यह है मीन्स होता मतलब होना द गेट कीपर इसका मतलब है गेट कीपर एक्सेप्ट में स्वीकार करता है ब्राइब्स या लेता है ब्राइब्स ब्राइब मीन्स होता है रिश्वत या घूस फॉर डूइंग हिज जॉब अपने जॉब करने की वो घूस लेता है ही शुड बी पनिश्ड उसे दंडित किया जाना चाहिए ही मीन्स उसे शुड बी मीन्स चाहिए अब देखिए शुड बी ये पैसिव वॉइस है शुड के साथ बी लगा है जब शुड के साथ बी लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही शुड बी पनिश्ड किसी भी मॉडल के साथ बी लगता है तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है कैन बी कुड बी तो फिर थर्ड फॉर्म आएगी वो पैसिव वॉइस में आ जाता है आगे देखिए द गेट कीपर वॉज ब्रॉट इन गेट कीपर वॉज मिस था ब्रॉट मिस लाया गया इन मिस अंदर गेट कीपर को अंदर लाया गया एंड गिवन 100 लेसेस गिवन मिस दिए गए 100 मिस 100 लेसेस मिस कोड़े एज ए मिस के रूप में पनिशमेंट मिस दंड के रूप में 100 कोड़े दिए गए फॉर एक्सेप्टिंग मिस लेने के लिए ब्राइब मिस होता है घूस लेने के लिए उसको 100 कोड़े दिए गए अकबर ने कहा टू महेश दास से यू आर अ वेरी क्लेवर मैन यू मिस तुम आर मिस हो अ वेरी क्लेवर एक बहुत चतुर मैन मिस आदमी तुम बहुत चतुर आदमी हो वाई डोंट यू स्टे एट माई कोर्ट वाई मिस क्यों डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताता है डू नॉट जिसका अर्थ ती ही निकलेगा हिंदी में वाई डू यू नॉट स्टे मीन्स रुकना है तो इसका मतलब होगा तुम क्यों नहीं रुकते हो एट माई कोर्ट मेरे दरबार में एज मीन्स के रूप में माई मिनिस्टर मेरे मंत्री तो तुम मेरे मंत्री के रूप में मेरे दरबार में क्यों नहीं रुकते हो तो महेश दास क्या कहता है महेश दास वॉज हैप्पी मिस खुश टू एक्सेप्ट मिस स्वीकार करके द ऑफर उस ऑफर को स्वीकार करके महेश दास बहुत खुश था फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन से फ्रॉम मीन से दैट मीन्स उस डे मीन्स दिन उस दिन से ही केम टू बी नोन मतलब जाना जाने लगा इसका मतलब ही केम टू बी नोन का मतलब जाना जाने लगा किसके रूप में एज मिस के रूप में बीरबल के रूप में एज मिस क्योंकि स्टोरीज मिस कहानियाँ ऑफ हिज विट उसकी बुद्धि की बिकेम मिस हुई फेमस मिस प्रसिद्ध फार एंड वाइड मिस होता दूर दूर तक क्योंकि उसकी कहानियाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध हुई दोस्तों इस कहानी में जो भी आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड लगे उनको कॉपी में लिखिए और याद कीजिए और इस कहानी को फिर से देखिए इस पूरी वीडियो को ताकि आपके लिए वो वर्ड मीनिंग बिल्कुल से याद हो जाए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद